कोल्हान के जंगल में नक्सलियों द्वारा बिछाए गए बारूदी जाल में फिर से एक बार सुरक्षा बल के एक जवान फंस गए हैं और उनके जाल में फंसने के बाद आईडी ब्लास्ट में घायल हो गए। बता दें कि सीआरपीएफ के कोबरा 209 बटालियन के जवान घायल हुए और जिन्हें कोल्हान के सारंडा जंगल से एयर लिफ्ट कर रांची लाया गया और रांची के राज हॉस्पिटल जवान को लाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जवान की स्थिति जो है वो गंभीर है और आप देखिए किस तरह से घायल जवान को लेकर एयरलिफ्ट कर कोल्हान के सारंडा जंगल के जराई किला इलाके से रांची लाया गया और रांची के राज हॉस्पिटल में देखिए एम्बुलेंस के द्वारा जो घायल जवान है वो पहुंचे और पहले से यहां पर तमाम जो इंतजाम थे वो किए गए थे। तो देखिए किस तरह से काफ़ी जिस तरह से आईडी पर इनके पैर पड़े उसके बाद जोरदार धमाका हुआ और उस धमाके में कोबरा 209 बटालियन के जवान फंस गए। बता दें कि जिस तरह से लगातार सारंडा इलाके में सर्च अभियान चलाया जा रहा है नक्सलियों के खात्मे को लेकर उसमें बीच बीच में कैजुअलिटी जो है वो सुरक्षा बल के जवानों को उठानी पड़ रही है और इसी का नतीजा है कि फिर अहले सुबह मिसिर बेसरा जो 1 करोड़ का इनामी नक्सली है उसके दस्ते के भ्रमणशील होने की खबर जो थी सुरक्षा बल के जवानों को मिली थी और अभियान चलाया जा रहा था। लेकिन जराई किला थाना क्षेत्र का जो इलाका है वहां पर जैसे ही अभियान के दौरान जो टीम पहुंची तो वहां पर पहले से आईडी का जाल बिछाया हुआ था और उस आईडी पर जो पैर जैसे ही पड़ा तो जोरदार धमाका हुआ और फिर उस धमाके में कोबरा 209 बटालियन के जवान घायल हो गए। बता दें कि कोल्हान के सारंडा इलाके में लंबे समय से नक्सलियों के खात्मे को लेकर सुरक्षा बल का अभियान जारी है और इस अभियान में कई बड़ी सफलता भी सुरक्षा बल के जवानों को मिली है। जिस तरह से अगर देखें तो चाहे मिसिर बेसरा की बात कर लें, एनलदा की बात कर लें, इन पर झारखंड पुलिस ने 1 करोड़ रुपए के इनाम की घोषणा कर रखी है और 1 करोड़ रुपए के इनामी नक्सली सारंडा जंगल को सेफ मान रहे थे। लेकिन जिस तरह से जो लगातार अभियान जारी है और इस अभियान में लगातार जो पुलिस को कई सफलता भी मिली लेकिन बीच बीच में कई ऐसी वहाँ जो आईडी का जाल है उसके चपेट में आते हैं। अगर बात करें तो जराई किला इलाका सारंडा इलाका जो है घनाघोर जंगल कोबरा 209 बटालियन के हैं और इन्हें सूचना मिली थी इनकी टीम को कि मिसिर बेसरा जो 1 करोड़ का इनामी है वो जराई किला थाना क्षेत्र में भ्रमणशील है और इस सूचना पर संयुक्त टीम जो थी वो अभियान पर निकली थी। लेकिन जैसी जानकारी रहती है कि मिसिर बेसरा जो शीर्ष माओवादी का नेता है और उसकी सुरक्षा जो कई घेरों में रहती है जहाँ पर वह रहता है तो उसके चारों ओर आईडी का जाल बिछा देता है कि जैसे ही सुरक्षा बल के जवान उसके करीब पहुंचने की कोशिश करें तो उस पर उन्हें जो घटना है को अंजाम दिला देता है और यही कारण है कि बार बार मिसिर बेसरा सुरक्षा बल के जवानों से बचकर तो निकल जाता है। और देखिए जो घायल जवान है आर शिव कुमार जो है वो हैं और कोबरा 209 बटालियन के जवान हैं और उन्हें एयरलिफ्ट कर कोल्हान के जंगल सारंडा जंगल से रांची एयरपोर्ट लाया गया और फिर रांची एयरपोर्ट से ग्रीन कॉरिडोर बनाकर राज हॉस्पिटल तक पहुंचाया गया है। तो जिस तरह से अगर बात करें तो साफ तौर पर नक्सलियों के खात्मे को लेकर लगातार अभियान जारी है और कहीं ना कहीं नक्सली भी अब अंतिम सांस गिन रहे हैं क्योंकि पूरे झारखंड में सुरक्षा बल के जवानों को कई सफलता मिली लेकिन सारंडा इलाका जो सबसे घना जंगल है उस जंगल को सेफ जोन मांग रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में वहाँ भी पूरे जो नक्सलियों का सफाया हो जाएगा क्योंकि पूरे चीज़ों की मॉनिटरिंग खुद पुलिस मुख्यालय से की जा रही है और डीजीपी एक जो है रोड मैप तैयार करके कैसे नक्सली झारखंड से ख़त्म होंगे जो सारंडा इलाका है वहाँ से कैसे ख़त्म हो इस पर लगातार अभियान जारी है। अपने सहयोगी संतोष के साथ समीर द न्यूज़ पोस्ट रांची।